गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ अ नॉलेज थ्योरम, इन विच टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ लिक्विड, और वी कैन से इट टोरिसेल्स थ्योरम। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ लिक्विड और टोरिसेल्स थ्योरम, क्योंकि इसको आपको टोरिसेलिस ने दिया था सबसे पहले, सो इसी का नेम पड़ गया हमारे पास टोरिसेलिस थ्योरम, उसी के नेम से इसका नेम पड़ा टोरिसेलिस थ्योरम। एक्चुअल में इसमें क्या है हमारे पास, लेट दिस इज अ कंटेनर, यहाँ पे क्या है एक हमारे पास ओरिफाइस है, ओरिफाइस मीन्स कोई होल है आपके पास, स्मॉल ओपनिंग है यहाँ पे। आपको क्या बताना है, यहाँ पे जो आपके पास लिक्विड आ रहा है, यहाँ से ऐसे हमारे पास लिक्विड फॉल होगा, तो इसकी हमें वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ लिक्विड, जो यहाँ से हमारे पास लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी हमें वेलोसिटी बतानी है। इस कंटेनर में क्या है हमारे पास, लिक्विड फिल हो रखा है, लेट जो इसमें लिक्विड फिल हो रखा है इसका एरिया देखिए A1 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है लेट वो है आपके V1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट A2, जो ये लिक्विड बाहर आ रहा है यहाँ से लेट उसकी वेलोसिटी हमारे पास V2। देन अब देखिए दोनों साइड्स पे क्या लगेगा आपके पास, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा यहाँ पे एटमोस्फेयर प्रेशर अप्लाई करेगा, यहाँ पे प्रेशर पी नोट लग रहा है, इस साइड से भी एटमोस्फेयर प्रेशर लगेगा लेट अगेन वो पी नोट लग रहा है आपके पास, एटमोस्फेयर है तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा। हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इसका बेस है, और जो यहाँ पे और यहाँ पे हाइट है उन दोनों के बीच का हम डिफरेंस मान के चल रहे हैं लेट दैट इज स्मॉल एच, क्लियर है। तो अगर हम इस पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें, हम पता है कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें इस पे, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है हमारे पास, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या रहता है आपका, कॉन्स्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। टोटल एनर्जी मीन्स जो आपके पास क्या है, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर कितना लग रहा है, एटमोसफेयर प्रेशर अगर इस पे अप्लाई कर रहे हो, प्लस जो यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप होगा वो किसी वेलोसिटी से ड्रॉप होगा, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है V1, तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस, अब हम इसको बेस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, दैट इज एच, सो रो जी एच इज इक्वल टू, अगर इसके लिए अप्लाई करें हम बर्नौलीज थ्योरम, ये हमारा एरिया A1 है लेट यहाँ पे 2 है, इस पे अप्लाई कर रहे हो बर्नौलीज थ्योरम, एटमोसफियर प्रेशर अगेन सेम है पी नोट प्लस, ये भी किसी वेलोसिटी से बाहर आएगा तो हाफ रो, वेलोसिटी कितनी है V2 स्क्वायर प्लस, बट हम बेस इसको लेके चल रहे हैं तो हाइट तो यहाँ पे कितनी हो गई 0, अगर हाइट 0 है तो रो जी इंटू में 0। अब पी नोट से पी नोट कैंसिल, ये वाली टर्म आपकी 0 बन गई, तो क्या आ गया हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अगेन हमारे पास यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी जी नहीं, रो आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा गया हमारे पास हाफ V1 स्क्वायर प्लस जी एच इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने क्या बताया, अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आइडल फ्लूड फ्लो हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और हम क्या बोलते थे कि AV हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्यूबिकल होता है, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, अगर हमारे पास यहाँ का एरिया क्या है हमारे पास कम है A2, सो A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2।
अब वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, मीन्स हमारे पास वी टू क्या है यहाँ पे, इस केस में वी टू काफी ज्यादा है वी वन से, वी वन स्मॉल है वी टू ज्यादा है, तो हमारे पास जो ये वाली टर्म है, या फिर आप इसको इस तरीके से देख सक रहे हो कि एरिया है जो ए टू वो क्या हमारे पास काफी कम है एज कम्पेयर टू ए वन, और ये काफी कम है, ये चीज ज्यादा है ये कम है, तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा, तो जो हमारी वी वन वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, नियर अबाउट जीरो हो जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे वी वन वेलोसिटी नियर अबाउट जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे वन ले लेती हूँ मैं इसको, पुटिंग वन अगर मैं करूँगी तो वी वन मीन जीरो, तो क्या बचा, जी एच इज इक्वल टू हाफ वी टू स्क्वेयर, सो टू जी एच इज इक्वल टू वी टू स्क्वेयर, और यू कैन से टू जी एच इज इक्वल टू वी टू। हमें यहीं पे क्या बताना था, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ लिक्विड, क्योरीफाइज से जो लिक्विड आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, सो ये कितनी आ गई टू जी एच। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, जो हमारी इक्वेशन होती है दैट इज वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, अगर हम इसको अप्लाई करके यहाँ से फार्मूला निकाल रहे हैं, अब मैं क्या एज्यूम करके चल रही हूँ कि यहाँ से मेरे पास कोई एक मान लो लिक्विड की ड्रॉप है जो कि फ्रीली फॉल हो रही है, दैट इज फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है लिक्विड की ड्रॉप है, तो क्या होगा हमारे पास, उसके पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि वो फ्रीली फॉल हो रही है, तो यू इस केस में क्या हो जाएगा आपका जीरो। अगर आपके पास यू यहाँ पे जीरो है तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट फॉल्स फ्रीली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह पे जी लग जाएगा, कितनी हाइट से वो फॉल हो रही है, यहाँ से फॉल करवा रहे हैं हम, यहाँ तक पहुंचना है उसको, इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, तो ये हाइट कितनी है, दैट इज एच, सो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ टू जी एच, तो दोनों तरीकों से आपके पास ये क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ लिक्विड क्या है हमारे पास, जो भी ड्रॉप आपकी फॉल हो रही है फ्रीली अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट एच, दैट इज उसकी वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट टू जी एच, और उसकी वेलोसिटी सेम है जो हमारे पास ओरिफाइस से लिक्विड फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आपको इसी में क्या देखनी है, रेंज चेक करनी है, दिस इज द रेंज, ये हमारे पास अब हमें रेंज देखना है कि जो ये पाथ बना रहा है कि इसकी रेंज कितनी है, हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी, हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें ये रेंज देखनी है, रेंज किसके इक्वल होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू में टाइम, अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द रेंज, ये चीज रेंज निकालनी है, अब जितना डिस्टेंस ये इस तक ट्रेवल करेगा उतना ही यहां से ये नीचे की तरफ भी ट्रेवल करेगा, जब ये ड्रॉप या फिर जो वॉटर है जो लिक्विड है जो जब वो यहां से यहां फॉल करेगा तो इतना डिस्टेंस के साथ साथ उसको नीचे की तरफ भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब अगर हम नीचे की तरफ इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब आपके पास रेंज किसकी इक्वल होगी, रेंज आपकी इक्वल होगी वेलोसिटी इनटू इट्स टाइम, वीई क्या है यहाँ पे ओरिफाइस की वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो एफ्लक्स की वेलोसिटी, वीई हमारे पास कितना आया था रूट ऑफ टू जी एच इनटू में टाइम, अब हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर हम यहाँ से टाइम निकालें कि उसने वर्टिकल जी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टाइम टेकन निकालने के लिए आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कौन से इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, अब टाइम टेकन के लिए लेट हम अप्लाई कर रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, अब देखिए इस केस में क्या होगा, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी नीचे माइनस जी, और वाई डायरेक्शन में आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी जीरो, देन उसके पास हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया एस वाई, लेट जो टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है लेट दैट इज कैपिटल एच, इतना डिस्टेंस हमारा एच है तो ये कितना लेफ्ट हुआ हमारे पास एच माइनस एच, तो ये आया हमारे पास एच माइनस एच, बट हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है लिक्विड ऑफ नीचे की तरफ फॉल हो रही है तो ये क्या हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, तो वैल्यूज पुट करेंगे माइनस एच
इज इक्वल टू जीरो माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू एच माइनस एच अपॉन जी इज इक्वल टू टी, टी का स्क्वायर, तो टी कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट ऑफ टू एच माइनस एच अपॉन में जी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज, सो रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू रूट ऑफ टू जी एच इंटू में ये वाला टू एच माइनस एच अपॉन में जी, नेक्स्ट स्टेप में रूट जी, सो इट शुड बी कैंसल आउट, रूट टू इट कम्स आउट टू बी फोर एच इंटू एच माइनस एच एंड इट्स रूट, और रूट से इसको बाहर निकालोगे तो टू एच इंटू में एच माइनस एच, दिस इज द रेंज, सॉरी दिस स्टेप इज नॉट विजिबल सो आई राइट इट, ओके नाउ हियर इट कम्स आउट टू बी टू, यहाँ से बाहर आ जाएगा रूट ऑफ एच इंटू एच माइनस एच, दिस इज योअर हॉरिजोंटल रेंज, अगेन दिस इज नॉट विजिबल, आई डाइट दिस स्टेप्स इन दिस साइड। इसके बाद हमें क्या निकालना है कि आपकी रेंज है जो ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, अब हमने मैथ्स में पढ़ रखा है कि अगर हमें मैक्सिमम किस चीज़ को निकालना है तब हम क्या निकालते होते हैं उसको, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ से पहले तो हम रेंज देखते हैं, रेंज इज इक्वल टू रूट जी से रूट जी तो कैंसिल हो गया आपके पास, सो इट कम्स आउट टू बी फोर एच इंटू में एच माइनस एच, और इट इज इक्वल टू टू, टू बार आ जाएगा रूट ऑफ एच इंटू एच माइनस एच। अब हमें चेक करना है वो पॉइंट वेयर रेंज विल बी मैक्सिमम, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू मेरे पास एफ एक्स है और मुझे चेक करना है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, तो मैं क्या लेती होती हूँ डेरिवेटिव, dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, dr अपॉन में ये हेड पे डिपेंड कर रहा है dr अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो, बट जहाँ पे क्या है आपके पास स्क्वेयर रूट है तो हम इसकी क्या कर लेंगे स्क्वेयरिंग कर लेंगे, हम चेक करेंगे डी आर स्क्वेयर अपॉन डी एच इज इक्वल टू एट किस पॉइंट पे ये क्या है आपका मैक्सिमम है, एट विच पॉइंट इट विल बी मैक्सिमम एंड इट इज चेक इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आर स्क्वेयर निकालेंगे, अगर हम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर इंटू में एच सॉरी फोर एच इंटू में एच माइनस एच, अभी आप इसको कैलकुलेशन करेंगे अगर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एच एच माइनस फोर एच स्क्वेयर, अब हमें क्या निकालना है डी आर स्क्वेयर अपॉन डी एच विच इज इक्वल टू, इसका विद रिस्पेक्ट टू एच हम डेरिवेटिव लेंगे, फोर एच माइनस पावर रूल लगेगा टू आगे आ जाएगा फोर टू जा एट इंटू में एच, अब ये किसके इक्वल है आपका, इट शुड बी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू फोर एच माइनस एट एच, और 8h इज इक्वल टू 4h, 4 टू जा 8, हमें क्या कैलकुलेट करना है स्मॉल h देखना था, सो h इज इक्वल टू h अपॉन 2, तो हमारे पास अगर जो ये ओरिफाइस आया है अगर ये हमारा एग्जैक्टली मिडल में है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, जो ये रेंज होगी वहां पे क्या होगी मैक्सिमम होगी, मीन्स ओरिफाइस को कहाँ होना चाहिए मिडल में होना चाहिए एग्जैक्ट इन द मिडल, सो अब ये वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो, एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, लेट हम एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो रेंज निकल आएगी आपके पास, पुट इन वन आर इज इक्वल टू टू रूट ऑफ एच किसके इक्वल है हमारा एच अपॉन टू, अगेन एच माइनस एच अपॉन टू, और आर इज इक्वल टू टू एच अपॉन टू इंटू में टू एच माइनस एच दैट इज एच अपॉन टू विच इज इक्वल टू यहाँ पे आया एच स्क्वायर अपॉन फोर और टू इसका जब हम रूट लेंगे टू इंटू एच अपॉन में टू, टू से टू कैंसल, सो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज इक्वल टू एच, क्लियर है, ओके दिस स्टेप्स आर नॉट विजिबल आई राइट दिस स्टेप्स अबव, हियर इज इट विजिबल, ओके यहाँ पे जो एच है वो भी आपको क्लियर नहीं है, यहाँ पे आपको स्मॉल एच निकालना था सो स्मॉल एच इज इक्वल टू एच अपॉन टू,
तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ओरिफाइस मेरा कहाँ पे होना चाहिए, इट शुड बी इन दी मिडल। तो यहाँ पे मैंने रेंज निकाली है, एच की वैल्यू पुट कर दी है मैंने और कुछ नहीं किया। जब मैंने एच की वैल्यू पुट की यहाँ पे, एच की वैल्यू पुट की एच बाय टू, एच माइनस एच बाय टू, तो यहाँ पे कितना है एच बाय टू। सो रेंज मेरी मैक्सिमम कहाँ पे है अगर हम इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर रही हूँ, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बनेगा एच स्क्वायर अपॉन में फोर एंड इट्स रूट, और नेक्स्ट स्टेप में टू इंटू इसका रूट लूंगी जब मैं, एच अपॉन में टू, टू से टू कैंसल। सो रेंज मैक्सिमम कहाँ पे हुई, एट एच। क्लियर है, रेंज कितनी आ गई आपकी, एच के इक्वल आ गई। ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।